हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जबकि अभी तो नवरात्रि चल रही है, तो लगभग नवरात्रि में सभी बिजी हैं। तो आप लोगों की नवरात्रि कैसी रही जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी तो मेरी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में फास्ट रहता है मेरा 9 डेज। तो अभी 2 डेज अभी रह गया शायद, और मंगलवार को, सोमवार को, सोमवार को हवन है और हवन के बाद फिर दशहरे के दिन हम खाते हैं, तो पारण होता है एक्चुअली हमारा। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो है सैटरडे हेयर केयर। तो आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन मैं जो हेयर केयर मेरा होता है वो है कि आज के दिन मैं ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों में। तो आज मैंने सोचा कि ये बातें आज आपके साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि आज हेयर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी होती है। हेयर में हमारे तेल लगाना, क्योंकि जितना ट्रीटमेंट जितना देखभाल हम पार्लर जाकर सोचते हैं कि अपने बालों को ले लें, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप घर पर ऑयलिंग अपने बालों में ज़रूर करें। इससे आपके बाल बहुत ही सुंदर और कैसे लगेंगे ये तो आप देख ही रही हैं। तो आज के दिन मैं तेल लगाती हूँ, अलग अलग तरह के तेल अप्लाई करती हूँ मैं अपने बालों में, क्योंकि बहुत सारे सारे तेलों को मैंने घर पे तैयार किया है। मैं बाहर के तेल या बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर के मैं यूज़ नहीं करती बालों में, या फेस पे भी, या पार्लर से ट्रीटमेंट तो मैं बिल्कुल नहीं लेती, सिर्फ हेयर हाइलाइटिंग करती हूँ, क्योंकि जितना हो सके हेयर स्पा मैं घर पर ही लेती हूँ। तो आज जो मैं बताऊँगी आपको, आज की जो मेरी वीडियो है वो है हेयर केयर ऑयलिंग, कि हेयर अपने बालों में जो हमारा एक्चुअली 9 दिन मुझे भूख लग रही है, तो भूख के कारण कुछ भी निकल रहा है। तो आज मैं ये आपको बता रही थी कि जो तेल है अपने बालों में सैटरडे की नाइट में अप्लाई करती हूँ, उससे पहले सुबह में नॉर्मल शैम्पू से मैं अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ, ताकि जब मैं नाइट के टाइम अप्लाई करूँ अपने बालों में तो जो तेल है उसके सारे बेनिफिट्स मुझे मिल सके, मेरे हेयर में अच्छी तरह हमारा जो है तेल है वो लग सके, और जितना फ़ायदेमंद हो सके हमारे बालों के लिए उतना इसको फ़ायदा पहुँचे। तो इसलिए जब भी आप ऑयलिंग करें अपने बालों में तो हेयर को बिल्कुल क्लीन कर लें, बल्कि तेल लगाने के बाद अगर आपका जो सिर है दो दिन बालों में तेल लगा रहने देंगी तो वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर गंदे बालों पे आप ऑयल अप्लाई करेंगी तो वो आपके बालों में कोई बेनिफिट्स उसके नहीं मिलेंगे। तो इसलिए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है कि आज हेयर ऑयलिंग में बताने वाली हूँ कि हेयर ऑयलिंग लगाने के सही तरीके क्या हैं। तो हेयर ऑयलिंग लगाने के सही तरीके ये हैं कि सबसे पहले आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए, उसके बाद डे में आप जो तेल है आप नहीं लगाइए। अगर आप चाहती हैं कि आपके हेयर में प्रॉब्लम है और आप अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रही हैं, तो इसके लिए नाइट बेटर है आपके डे के अनुसार। नाइट में आप तेल अप्लाई करेंगी तो ओवरनाइट आपके हेयर पे रहेगा, वो अच्छी तरह अपना जो वर्क है वो करेगा, क्योंकि दिन में हम अपने भाग दौड़ के लाइफ में बिजी रहते हैं, भाग दौड़ रहता है, कब बाहर निकलना पड़ जाए तो धूल मिट्टी डस्ट वो पड़ेंगे बालों में, या हम जल्दी जल्दी में अपने हेयर को वॉश कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो जो बेनिफिट चाहिए हमारे बालों में नहीं मिल पाता। कोई कहता है कि आधे घंटे अपने बालों में तेल लगाइए उसके बाद अपने जो आपका हेयर है उसे वॉश कर लीजिए, कोई आधे घंटे में नहीं फर्क पड़ता आपके बालों में। बालों में ऑयल लगा के कम से कम 2 से 3 घंटे इसे रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए अपने बालों में, मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैंने ऐसा किया है और मैंने देखा है, और ख़ास तौर से नाइट के टाइम बाल में अपने आप लगाइएगा तो ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो आज जो तेल मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये DIY तेल, मैंने आपको बताया था अभी, मैंने कलौंजी और जो मेथी दाना होता है उसका ऑयल बनाना बताया था। अगर आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ज़रूर आप चेक करना। ये तेल बहुत ही यूज़फुल है, इसको आप जिसके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, जिनके हेयर सफ़ेद हो रहे हैं, साथ ही जिनका हेयर रफ डैमेज हो गया, उनके लिए ये जो तेल हमारा वो बहुत ही अच्छा है, और ख़ास तौर से इसके सारे बेनिफिट्स मैंने वीडियोस में विस्तार पूर्वक बनाया है। अगर आप जानना चाहती हैं तो आप उस वीडियो में उसको क्लिक कीजिए और देखिए कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये तेल आज मैं यूज़ करने वाली हूँ सैटरडे के दिन। तो इसको सबसे पहले हम अपने जितना भी हम हेयर में लगाना चाहें उतना हम अप्लाई करेंगे, उतना हम अपने बोल में ले लेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल आप अप्लाई करो तो तेलों से नहा लो, तो ये मुझे फर्जी फालतू लगता है। भाइयों से मैं यही कहूँगी, सॉरी आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि ऐसे ऐसे प्लीज ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट मत भेजा करो कि पूरे तेल से आप नहा लो, पूरे तेल बालों में भिगा लो, पूरे तेल को निकाल दो, क्या मिलेगा इसे आपको तेल को बर्बाद करके? उतना तेल रहेगा तो पूरे महीने चलेंगे, थोड़े पैसे सेविंग होंगे तो वो ज़्यादा बेटर है।
तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि ऐसे प्लीज ऐसे ऐसे कमेंट मत किया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। एक तो डेली हेयर ऑयलिंग का वीडियो दिखाओ, डेली हेयर ऑयलिंग ये भी अच्छा नहीं लगता। हाँ अलग अलग तरीके से या कुछ और बता रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए मैं बोर हो गई थी ऑयलिंग कब बता बता, तो आज सोची कि आज आपको सही तरीके बताऊं, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम ऑयल तो लगाते हैं बट हमारे जो बाल हैं उनमें अच्छे बेनिफिट्स के नहीं मिल पाते, जो हमारा हेयर है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, हेयर लॉस हो रहा है तो हेयर जो है वाइट हो रहे हैं, और साथ ही हमारा जो बाल है फ्रिजी रफ हो गया है, अच्छे नहीं लग रहे हैं हमारे हेयर, तो इसके लिए हम क्या करें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जो हेयर है वॉश कर लीजिए, अच्छी तरह कॉम कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे हेयर जो बिल्कुल सूझे हुए हैं क्योंकि मैंने कॉम भी कर लिया है। यहाँ पे अब हेयर अप्लाई करेंगे। हेयर अप्लाई करते समय एक बोल में आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ऑयल ले लीजिए और इसे फिंगर के हेल्प से अपने हेयर के इस तरह रूट से लेंथ तक अच्छी तरह अप्लाई कीजिए। पहले हम इसे रूट में अप्लाई कर लेंगे। ये बातें मैं सारे वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ कि पहले इनको अपने रूट में अप्लाई करना है, उसके बाद आपको लेंथ में अप्लाई करना है, उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट आपको मसाज करके हाथों से इसे करना है। ये देखिए उसके बाद इसे हम अपने हाथों पे इस तरह लेंगे और इसको थोड़ा सा रब करेंगे इस तरह, और इसे इस तरह अपने बालों में हम अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे लेंथ तक बालों में अच्छी तरह अप्लाई हो जाए, जो हमारा हेयर है वो इस तरह अपने हाथों पे लेके इस तरह करके और अच्छी तरह अपने रूट से लेंथ तक अप्लाई कीजिए। देखिए इस प्रोसेस से जब मैंने ऑयल लगाया तो आप देख सकती हैं कि हमारे मेरे पूरे हेयर में इस तरह जो तेल है वो अच्छी तरह लग गया है, और ये बहुत ही अच्छा है तेल लगाने का तरीका। सबसे थोड़े थोड़े तेल लगाने से जब आप रूट पे लगा लें तो इस तरह आप अपने पूरे लेंथ में अप्लाई कर लें ऑयल, और दूसरे साइड में भी सेम यही प्रोसेस रहेगा। तेल को लेके इस तरह करके और इस तरह अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि रूट से लेंथ तक तेल जो हमारा है अच्छी तरह अप्लाई होना चाहिए। और जहां जहां आप लगे कि आपका तेल अप्लाई नहीं हुआ है तो इस तरह आप अच्छी तरह अप्लाई कर सकती हैं। ये देखिए तेल मैंने अच्छी तरह अप्लाई कर लिया है। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरह इस तरह मसाज करें, उंगलियों के पोरों से आप मसाज कीजिए। ये देखिए मैंने अच्छी तरह ऑयल अप्लाई कर लिया है और इसमें मैंने अच्छी तरह मसाज भी कर लिया है। अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंस हमारा है वो है कॉम्ब, मोटे दांत वाले इसी टाइप के कॉम्ब का आप यूज़ करें, और प्रेस करते हुए आप अपने हेयर को धीरे धीरे करके कॉम्ब कर लें। ऑयलिंग करने के बाद आप कॉम्ब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ये देखिए तो हमारा जो हेयर है वो अच्छी तरह कॉम्ब हो गया है। आप चाहें तो आपका जो जो आपने तिल लगा के और अपने हेयर पे चम्पी कर लिया है ये पिलोज में या चादर में नहीं लगे, तो इसके लिए क्या तो आप चोटी बना लीजिए बड़े बड़े, और उसके बाद चाहें तो आप इस पे कर सकती हैं या अपने बालों को आप सिक्योर करने के लिए इससे रबड़ लगा सकती हैं, एक बन बना सकती हैं जिससे कि आपके कपड़ों में भी तेल ना लगे और अच्छी तरह आप पूरी रात अपने बालों को सेफ रख सकें।
तो इसके लिए आप चाहें तो अपने बालों को इस तरह अप करके और हल्का सा जूड़ा बनाइएगा, ज़्यादा टाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसे इस तरह करके और किसी भी इसे क्लचर से या रबर बैंड से आप सिक्योर कर, तो इस तरह आप अपने बालों को सिक्योर कर लीजिए। और इसी प्रोसेस से अगर आप अपने बालों में तेल लगाती हैं और ऑयलिंग करती हैं तो आपके बालों को मिलेंगे 100% बेनिफिट्स और आपके बालों पे बहुत जल्द फर्क नज़र आएगा। अगर आपके बाल हेयर फॉल हो रहे हैं, साथ ही अगर आपके वाइट हो रहे हैं और डल फ्रिजी हो गए हैं आपके बाल, तो ये आप अपनाइए, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बालों के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे भूलिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं नाइट के टाइम आपके लिए वीडियो बैठ के बना रही हूँ। इसलिए तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी भी यूजफुल लगे, तो इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो चलिए इसी तरह नई यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।